जी मैडम लोकसभा मध्ये सादर करणार आहेत त्या अगोदर आम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी मैडम माझे सहकारी पंकज जी चौधरी आमचे सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी यांना 9 वाजता भेटणार आहोत नंतर 10 वाजता कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी यांच्या नेतृत्वामध्ये होणार आहे 10 वाजता कैबिनेट मीटिंग मध्ये आम्ही जाणार आहोत आणि तिथून 11 वाजता अर्थसंकल्प हा लोकसभेमध्ये आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी मैडम सादर करणार आहेत आज हमारे देश का अर्थसंकल्प फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी लोकसभा में 11 बजे प्रस्तावित करेंगे उसके पहले मैडम के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पंकज जी चौधरी सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी को 9 बजे मिलने वाले हैं उसके बाद 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसी में हमें बुलाया है हम सब लोग उधर जाने वाले हैं और 11 बजे अर्थसंकल्प आम जनता को क्या मिलने वाला है आम जनता को क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आपको मालूम हो जाएगा कोई अंदेशा किस क्षेत्र में ज्यादा जोर रहेगा इसी के बारे में कुछ मैं वार्ता नहीं करना चाहता इसी के बारे में कुछ वार्ता नहीं करना आखिरी पूर्ण बजट है कोविड आपने बोला रिकवरी हो गया है तो क्या लोग खुश होंगे इस बजट की इतना बता दीजिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ की जो कुछ अर्थसंकल्प है अभी 11 बजे आपको पता चलेगा अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन अभी कोविड से हमारी देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है एज अदर देश जो है अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तब भारत देश 10वें नंबर में था लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है ये 8 साल में 8 साढ़े 8 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है जनता को क्या मिलेगा सर जनता को क्या मिलेगा अभी मैं बता नहीं सकता ऐसा पटरी पे आ गई है तो क्या लोगों को छूट में मिल सकती है लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं इसके बारे में मैं अभी 2 घंटे के लिए आप रुकिए 11 बजे मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं चलो 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 थैंक यू सो मच तो सर्वसामान्य जनतेला बजेट